नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों बात करते हैं मई महीना मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं मई माह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों गोचर वर्ष इस माह में तीन ग्रहों मंगल बुध और सूर्य का राशि प्रवर्तन होगा, जबकि बाकी सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। पूरन मास राहु साहस पराक्रम भाव में, केतु भाग्य भाव में, गुरु मंगल शनि एक ही भाव कर्म भाव में और शुक्र धन भाव अपने ही भाव में मजबूत स्थिति में भ्रमण करेंगे। महीने के मध्य में तीन ग्रह गुरु शुक्र और शनि बकरी होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। दोस्तों धन और दंपत्य भाव के स्वामी शुक्र की धन भाव अपने ही भाव में मजबूत गोचरीय स्थिति धन के संबंध में अति शुभ फल देने वाली रहेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आप धन के पीछे नहीं भागोगे, धन आपके पीछे भागेगा। शुक्र की मजबूत स्थिति पर सोने पर सुहागा जैसे कार्य करेगी कर्म भाव से भाग्य भाव के स्वामी धन कारक गुरु की दृष्टि। इस दृष्टि के फलस्वरूप धन के संबंध में भाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी। दोस्तों आपके क्षेत्र में अगर लॉकडाउन मई माह में भी एक्सटेंड होता है तो भी आपको खाने पीने और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पत्नी के हाथों से बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करोगे। कुटुंब में सुख शांति के साथ स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। द्वितीय भाव में शुक्र के प्रभाव से वाणी में कोयल जैसी कोमलता का भाव देखने को मिलेगा। गायन विद्या में रुचि है तो घर में रहकर ही गायन विद्या पर जोर डालकर अपने स्वर सुरों में सफाई लाएं और इस गोचर अवधि का उचित लाभ उठाएं। द्वितीय भाव में सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपके सौंदर्य में गजब का निखार देखने को मिलेगा। इस शुक्र स्त्री कारक और मेष राशि के लिए स्त्री भाव के स्वामी भी होते हैं। दोनों ही रूप में शुक्र की धन भाव अपने ही भाव में गोचरीय स्थिति से कार्य व्यापार और धन से संबंधित मामलों में स्त्री का आपको कंधे से कंधा मिलाकर योगदान प्राप्त होगा। स्त्री के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की पांचों उंगलियां घी में रहेंगी। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। व्यापार के संबंध में सरकार का भी पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। 14 मई को शुक्र बकरी होंगे और धन के संबंध में आय के साथ व्यय के भी योग बनेंगे। शुक्र से संबंधित वस्तुओं में व्यय हो सकता है। बात करें राशि स्वामी की तो राशि स्वामी मंगल की गोचरीय स्थिति भी इस माह स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से अति लाभप्रद रहेगी। मंगल के दशम भाव में ब्राह्मण से चतुर्थ भाव सुख भाव पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही थी, जो सुख में कुछ कमी कर रही थी, परंतु अब 4 मई को मंगल के राशि परिवर्तन से चतुर्थ भाव पर अशुभ प्रभाव दूर होंगे। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। माता जी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। वाहन संबंधी कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी दूर होगी। राशि स्वामी मंगल की एकादश भाव में गोचरीय स्थिति से भिन्न भिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव की ज्योतिष शास्त्रों में बहुत महत्व है। राशि स्वामी की इस भाव में प्रवेश से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ जोश ऊर्जा उत्साह और मनोबल से भरपूर रहोगे। दोस्तों मंगल क्या है? मंगल है भूमि पुत्र, छोटा भाई, साहस पराक्रम ऊर्जा और मेष वालों के लिए राशि स्वामी के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। इसके फलस्वरूप इस गोचरीय अवधि में आपको अपने साहस पराक्रम और मेहनत का फल पूर्ण लाभ के रूप में प्राप्त होगा। भूमि मकान और जमीन जायदाद का सुख और इनके माध्यम से लाभ होगा। भूमि मकान से जुड़ी हुई योजनाओं को आरंभ करने के लिए अनुकूल गोचरीय अवधि रहेगी। मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटोगे, मेहनत और प्रसार से कार्य कर लाभ मार्ग प्रशस्त करोगे। एकादश भाव से मंगल की द्वितीय पंचम और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। मंगल की द्वितीय भाव में स्वयं राशियत शुक्र पर दृष्टि और शुक्र की अष्टम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक पर दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के फलस्वरूप आप में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वृद्धि देखने को मिलेगी। इस गोचर्यावधि में भावनाओं पर नियंत्रण रख संयम पूर्वक कार्य करें। मंगल की पंचम भाव पर मित्र दृष्टि के फलस्वरूप मित्र सहायता करने के लिए तत्पर और आपके प्रभाव से प्रभावित रहेंगे।
मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपको शत्रुओं पर आसानी से विजय पाने में सफलता दिलवाएगी। रोग ऋण और शत्रु पास भी नहीं फटक पाएंगे। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, सब नियंत्रण में रहेंगे। मेष राशि के लिए मंगल राशि स्वामी के साथ अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी के रूप में एकादश भाव में गोचरीय स्थिति से पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष द्वारा लाभ के लिए शुभ गोचरीय अवधि रहेगी। मंगल के बाद राशि परिवर्तन होगा बुध का। 8 मई तक बुध प्रथम भाव में उच्च सूर्य के साथ युति में भ्रमण करेंगे। पंचम भाव के स्वामी उच्च सूर्य के साथ बुध की युति से प्रबल बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। इस योग के फलस्वरूप धन मान सम्मान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए भी इस योग का खास महत्व रहेगा। इस योग का मंगल की राशि मेष में बनने के फलस्वरूप विद्यार्थी घर में बैठकर ही ऑनलाइन शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 8 मई को बुध राशि परिवर्तन कर धन भाव में धन भाव के स्वामी मित्र ग्रह शुक्र के साथ युति में गोचर करेंगे। 2 शुभ ग्रहों का गोचर धन भाव में और उन पर धन कारक गुरु की दृष्टि धन वाणी कुटुंब के संबंध में अत्यधिक शुभ रहेगी। धनागमन और वाणी की मधुरता में वृद्धि होगी। गजब की कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिलेगी। वाणी संबंधित कार्य करने वाले मेष लग्न या मेष राशि वाले दोस्तों को घर बैठे ही अपने कार्य से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। व्यापार कारक बुध की धन भाव और धन एवं व्यापार भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति से व्यापारी दोस्तों को अपने व्यापार से भरपूर लाभ और धन प्राप्त होगा। मेष राशि के लिए बुध तृतीय एवं छठे भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव के स्वामी के रूप में बुध की गोचरीय स्थिति से धन संबंधित अधूरे और उलझे हुए मामलों में तेजी आएगी। धन लेन देन के मामले सुलझेंगे। 14 मई को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव राशि परिवर्तन कर द्वितीय भाव में शुक्र और बुध के साथ युति में गोचर करेंगे। सूर्य शुक्र की युति दंपत्य जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकती है, परंतु गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अशुभ प्रभाव में कमी और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। द्वितीय भाव में सूर्य के प्रवेश से एक बार फिर बुध आदित्य योग और लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण होगा। इन योगों के फलस्वरूप लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। धन निवेश और शेयर बाजार जैसे कार्यों में रुचि वृद्धि होगी। धन निवेश के बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे, परंतु कोई जोखिम वाला निवेश ना करें। बुद्धिवेक से सोच समझ कर ही निवेश करें। द्वितीय भाव में बन रही ग्रह गोचर स्थिति से आपकी क्रिएटिविटी में बेहतरीन निखार देखने को मिलेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी से अश्चित सफलता और धन प्राप्त होगा। लोग आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा करेंगे। बुद्धि बल के दम पर अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करोगे। विद्या में रुचि वृद्धि देखने को मिलेगी। बुद्धि बल और संतान पक्ष के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। इस ग्रह गोचरीय अवधि में संतान या पत्नी के नाम से शुरू किया कार्य या व्यापार धनदायक रहेगा। 14 मई के बाद प्रेमीजनों के लिए भी खुशखबरी है। भाग्य की प्रबल शक्ति से प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्य में तेजी आएगी। दोस्तों, बात करें राहु की तो उच्च राहु की साहस पराक्रम भाव में गोचरीय स्थिति आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास को उच्च बनाए हुए है। मंगल की स्थिति एकादश भाव में और राहु की तृतीय भाव में आपके अंदर नई ऊर्जा शक्ति की संचार करेगी। जल्दी से विचलित नहीं होंगे, हौसले बुलंद रहेंगे। साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि रहेगी। उधर 2 दिग्गज ग्रहों गुरु और शनि का भ्रमण कर्म भाव में धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण करेगा। आप बड़ी निडरता और निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों की पूर्ति करोगे। इसमें आपको भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस माह आप बाहुबल और बुद्धिबल के साथ भाग्य बल का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माह मध्य में गुरु और शनि वक्री होंगे। दोस्तों, इस गोचर अवधि में अगर वक्री शनि परेशान करने के लिए कोई चालाकी भी करता है तो शनि के साथ गुरु की युति और दूसरे ग्रहों की शुभ स्थिति के फलस्वरूप वक्री शनि का कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। खासकर कार्य क्षेत्र में बुद्धि विवेक से कार्य करें। कार्य व्यवसाय को बदलने या छोड़ने जैसे विचार आए तो सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। मई के अंतिम सप्ताह में बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव और अपनी स्वयं की राशि मिथुन में उच्च के राहु के साथ युति में गोचर करेंगे।
लेखन, कम्युनिकेशन, ब्लॉग, यूट्यूब वगैरह से संबंधित कार्य करने वाले मेष लगन या मेष राशि वाले दोस्तों के लिए यह एक शुभ गोचरी अवधि रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।